सहना भवतु सहनो भुनक्तु सहवीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। अपने पगते दीपुकार सुनो ए परशु बाले बाबा जी। अपने पगते दीपुकार सुनो ए परशु वाले बाबा जी। अपने पगते अपने पगते दीपुकार परशु वाले बाबा जी। अपने पगते दीपुकार सुनो ए परशु वाले बाबा जी। अपने पगते दीपुकार सुनो ए परशु वाले बाबा धर्म करम ने डोले दे। अब धर्म करम डोले दे मानु कायागी रोले दे। डोला दे रोंदी है अबला नार सुनो रोंदी है अबला नार सुनो। ए परशु वाले बाबा जी। अपने पगते दीपुकार सुनो ए परशु वाले बाबा जी। बनी जी दी नीति अनीति है अनीति है के दसा जो जो बीती है के दसा जो जो बीती है। आयो आया उन थ्वाड़ी द्वार सुनो आया उन
त्वाड़ी द्वारी सुनो ए परशुवाली बाबा जी अपनी भगती दी पुकार सुनो ए परशुवाले बाबा जी अपनी भगती दी पुकार सुनो ए परशु वाले बाबा जी जदू जदू भी धर्म लटो आए 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 अब तार तुआड़ा ओ आए अवतार सुनो ए परशुवाले बाबा जी अपने भगती दी पुकार ए परशुवाले बाबा जी ए परशुवाले बाबा जी परशुवाली बाबा जी अपनी भगती दी पुकार सुनो परशुवाली बाबा जी बोलिए परशुराम भगवान की आओ जेड़ा देश अपने शहीदें गी भुली जा ओ देश नष्ट भ्रष्ट होई जांदा आ और जेड़े लोग अपने अवतारें गी भुली जा ऐसे लोगों का अध्यात्मिक विकास नहीं होंदा ऐसे लोगों के अंदर भगती भाव की वृद्धि नहीं होंदी ज्ञान की वृद्धि नहीं होंदी अस कट्ठे होइए जिसलै ये पर्व मनाने हैं उस कने साड़ा प्रेम बढ़ता है सानू अपनी संस्कृति का ज्ञान होंदा है सानू अपने लक्ष्य का पता लगता है लक्ष्य प्राप्ति दियां जुक्तियां सत्संग चा मिलदियां ने अज भगवान परशुराम जी बड़े तुहाड़े पर प्रसन्न हुआ करदे होंगे खुश हुआ करदे होंगे अस उनके चरणे च बैठे दे इं जरा यह परब है ये सत्त तरीक ही है इस बारी सत्त मई की पर छुट्टी के कारण कि अज ऐतवार हा सारे की छुट्टी ही मते सारे प्रभु भगत ये लाभ उठाई सकते हैं इस वास्ते ये शोभा यात्रा जी है वह ऐतवारें की रखी गई
भगवान परशुराम, भगवान परशुराम युवा दल जड़ा है हर साल ये नौजवान उस अजन्मा का जन्मोत्सव मनाते बब्बे शोभा यात्रा कटते सत्संग और भंडारे कन्ने ये कार्यक्रम संपन्न होता है और तुस लोग भी सहयोग दिंदे हो, तुस लोग भी तन मन कन्ने सहयोग दिंदे हो, इस वास्ते तुस भी बधाई दे पात्र हो। और इस भगवान परशुराम दे जन्मोत्सव दे उपलक्ष दे विच जो कार्यक्रम मनाया जा करता है, भगवान परशुराम जन्मोत्सव दी अवतार दी सारे की लख लख बधाई हो। उन्हें तुसी की सुनारदा कि भगवान परशुराम जी ने अक्षय तृतीया की अवतार लिया है। ते अक्षय का यह अर्थ दसिया कि जेड़ा फल कदे खत्म गए नहीं होंदा, बाकी अस पुन करने हैं उदा फल, और कोई पुन करचै अस पाप करचै आखिर उदा फल नष्ट होंदा है। पुन का फल सुख भोगी खत्म हो जाता है, पाप का फल दुख भोगी मुकदा है। सुकृतम सुखम भवती, दुष्कृतम दुखम भवती। पुन का फल स्वर्ग है, पाप का फल जड़ा वह नरक है। पर जेडे लोग अज के दिन, अज दिन ब्याह भी कोई कर ना तो आखते उनका भी वह रिश्ता अटूट रहा है, प्रेम पक्का रहा है, क्योंकि जेड़ा काम भी अज करना है, जो भी पहला दस्या तुसें कि जप करो, तप करो, व्रत करो, तीर्थ करो, दान करो, सेवा करो, यज्ञ अनुष्ठान करो, भगवान की कथा सुनो, इस वास्ते ये सारा फल जड़ा है वह अक्षय कदे भी क्षय होने वाला नहीं है। सचमुच बड़े तो सौभाग्यशाली हो जिन्हें कि यह सौभाग्य प्राप्त हुआ, कल्याणकारी घड़ी नसीब हुई है। तो अक्षय तृतीया दिन और साढ़े पुराने दे अनुसार अक्षय तृतीया की ब्रह्मा जी का एक पुत्र जिसका नाम अक्षय कुमार हा, वो भी अक्षय तृतीया की है उदा जन्म होया हा। मां गंगा जिसले स्वर्ग का उपरा इस धरती पर आई उस दिन भी अक्षय तृतीया ही, मां अन्नपूर्णा जिहड़ी है उन भी अक्षय तृतीया वाले दिन गै अवतार लिया। कुबेर ने शिवजी महाराज की भगती की, शिवजी महाराज ने उसी अक्षय तृतीया वाले दिन गै सारे देवते का खजाना मंत्री बनाया। सतयुग और त्रेता का प्रारंभ भी अक्षय तृतीया वाले दिन हुआ। भगवान कृष्ण और सुदामे का मिलन भी अक्षय तृतीया वाले दिन हुआ। भरी सभा दे विच जिस दिन द्रौपदी गी दुशासन दे अख ने, दुर्योधन दे अख ने पर दुशासन भरी सभा दे विच जिस दिन द्रौपदी गी निर्वस्त्र करा करदा हा उस वेला भगवान श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा की, उस दिन भी अक्षय तृतीया का दिन हा। ही कृष्ण द्वारिका वासिन क्वासु जादव नंदनई कौरवई परिभूताम किम ना जानसी केशवा। इस वास्ते अक्षय तृतीया वाले दिन द्रौपदी ने पुकार की और भगवान ने उदी लाज रखी। प्रसिद्ध तीर्थ जड़ा है बद्री नारायण, ओदे कपाट भी सियाल बांदर आते हैं, तो अक्षय तृतीया वाले दिन गए बद्री नारायण भगवान के कपाट जिहड़े ने वह भी खुलते। और वृंदावन दे विच भगवान बांके विहारी का जिहड़ा श्री विग्रह है ओदे पूरा साल पैर खटोए रहिंदे ने, ते अक्षय तृतीया वाले दिन गै भगवान दे चरण दर्शन होंदे। आओ महाभारत दा जिहड़ा युद्ध हा वह भी अक्षय तृतीया वाले दिन गै समाप्त होआ हा। ई स्वयं सिद्ध मूर्त है, अज तुसी कोई भी काम करना अक्षय तृतीया वाले दिन कोई भी काम करना हो है। इन्या साल दे विच और भी पांच ऐसे मूर्त ने जिस चली शुक्ल पक्ष दी चेत्र शुक्ल पक्ष दी प्रतिपदा पहली तिथ यानी पहला नराता
और नौमी तिथि रामनवमी, विजयदशमी, दीपावली, बसंत पंचमी, ते ए अक्षय तृतीया। ए ऐसे मूर्त ने कोई काम भी करना वा पत्री दिखने दी जरूरत गै नहीं, इस वास्ते स्वयं सिद्ध ए मूर्त ने। ए अक्षय तृतीया दा दिन बड़ा कल्याणकारी ए दिन है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, भगवान दे अवतार इस धरती दे उपर आदे, जदू जदू भी धर्म लुटो आया अवतार तुआड़ा ओ आया। गीता दे अनुसार जदा जदा ही धर्म से ग्लानिर भवती भारत, अभ्युत्थानम अधर्म से तदात्मानम सृजामि हम, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी जुगे जुगे। रामचरित मानस के अनुसार जब जब होई धर्म की हानि, बाड़े ही असुर अदम अभिमानी, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। गुरवाणी के अनुसार हर जुग जुग भगत उपाया, पैज रखदा आया राम राजे। जदू जदू भी लोक धर्म की मनने वाले घटी, अधर्म दी वृद्धि होई गई, राजा लोग भी अनीति अन्याय लई पे करन, देव पूजा पितृ पूजा बंद होई गई, पापियों दे पाप दे कारण धरती कोला पाप दा भार जिले नहीं चलो है, फिर धरती कंबदी है। स्थूल रूप कन्ने इयां रौंदी, सूक्ष्म रूप दे कन्ने गऊ दा रूप धारण करी है। इंद्र ब्रह्मा रेगी पर पुकार कर दी पी, सबो देवता भगवान अगे प्रार्थना कर दें, और भगवान फिर इस धरती पर अवतार लें दे। जिन्ने भगत होए भगवान दे, इन्ने अवतार होए, उन्हें जिस नाम रूप दे विच उन्दी आराधना उपासना साधना कीती, भगवान ने उस नाम रूप दे विच उन्हें की दर्शन दिते। पर मुख जड़े भगवान दे, मुख भगवान दे जड़े ने, ओ चौबी अवतार ने, मुख चौबी अवतार ने, जिंद चा अस अज भगवान परशुराम जी का अवतार मना करने हैं। बोलिए परशुराम भगवान की, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि सत्य नारायण हरि हरि, तेरी लीला जग से न्यारी न्यारी, हरि हरि तेरी लीला जग से न्यारी न्यारी, हरि हरि। बोली सच्चिदानंद भगवान की, भगवान परशुराम जी दे माता पिता का नाम भला के दस्या, हूने चालीसा पढ़ी है ना, तुसे सुनी है, है? राम 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 जी दे पिता का नाम, माता का नाम कृष्ण महाराज दे, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਗੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਗੀ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਕੋਲਾਂ ਮੁਨੀਆਂ ਕੋਲਾਂ ਧਰਮਾਚਾਰਿਆਂ ਕੋਲਾਂ ਇੱਡੀ ਸਮੱਗਰੀ ਜੋ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਮਿਲੇਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਰਮਾਇਣ ਨਹੀਂ, ਗੀਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ, ਭਾਗਵਤ ਇਹ ਪੁਰਾਣ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ, ਪਸ਼ਚਾਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਸਾਡੇ ਪਰ ਚੜੀ ਚੁੱਕੇਦਾ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਪਰਸ਼ੁਰਾਮ ਜੀ ਵੈਸੇ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਅਵਤਾਰ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਿਆਂ ਰੂਪ ਮਨੁੱਖਿਆਂ ਲੇਖਾ ਹੋਣ ਤੇ ਕੁਸਾ ਦੇਹਧਾਰੀ ਦੇ ਘਰ ਭਗਵਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ। ਤ੍ਰੇਤਾ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਵਤਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਰਾਮ भगवान राम और भगवान परशुराम।
भगवान परशुराम जी अवेशा अवतार रहता। इनकी माता का नाम रेणुका और पिता के नाम महर्षि जमदग्नि। आओ थोड़ा जा सुनो। विजय शर्मा और इसी इस चली लिखिया जमदग्नि जी पिता न जिंदे रेणुका जिंदी मां आओ शरदा कन्ने ले चे परशुराम जी दा नाम आओ शरदा कन्ने ले चे परशुराम जी दा नाम परशुराम राम राम परशुराम राम राम परशुराम राम राम परशुराम राम राम जमदग्नि जी पिता न जिंदे जमदग्नि जी पिता न जिंदे सती रेणुका जिंदी मां आओ शरदा कन्ने ले चे परशुराम जी दा नाम परशुराम राम राम परशुराम राम राम परशुराम राम राम परशुराम राम राम ऊपर बसदी उधमपुर नगरी मां देव कबग दी खल उपर बसदी उपर बसदी उधमपुर नगरी मां देव कबग दी खल परशुराम जन्मोत्सव मनांदा परशुराम जुवा दल परशुराम जन्मोत्सव मनांदा परशुराम जुवा दल कविता रूपी आर परोइए कविता रूपी आर पुराई आर परोइए तुसेंगी आऊं सना परशुराम जी दा नाम परशुराम जी दा नाम परशुराम राम राम परशुराम राम राम परशुराम राम राम परशुराम राम राम तनशबान ने पीछे अगे बेदे संग भगवान ब्रह्म तेज छत्र तेज कन्ने युक्त ने परशुराम रुद्र रूप गाथा इंदी रुद्र रूप दी गाथा इंदी किया किया गां परशुराम जी दा नाम परशुराम राम राम परशुराम राम राम परशुराम राम राम परशुराम राम राम बाऊगी मारी मुकाइए काम देन छड़काई सहस्त्र बाऊगी मारी मुकाइए काम देन छड़काई इक्की बारी दुष्ट राजे इक्की बारी दुष्ट राजे शा धरती मुक्त कराई धरती मुक्त कराई राज पाठ सब करिए दान फिर सुखा दी कीती शान
परशुराम जी दा नाम, परशुराम जी दा नाम, परशुराम राम राम, परशुराम राम राम, परशुराम राम राम, परशुराम राम राम। अज जो साढ़े देश की साढ़े समाज की साढ़े धर्में की जो दशा है सचमुच अज भी सानू भगवान परशुराम जी की लोड़ है कि प्रभु तौले अवतार लैन। अवतार के भगवान परशुराम सदा रौंदे सप्त चिरंजीवियों के विचार अश्वत्थामा बलि व्यास हनुमान विभीषण कृपाचार्य और भगवान ये परशुराम दिया ये सदा रहते। जयंती उनकी मनाई जाती है जो इस धरती पर नहीं है वो उनकी जयंती मनाई जाती है, पर भगवान परशुराम जी आज भी इस धरती पर है न। जो उनके कहते प्रेम करते उनका ध्यान स्मरण करते भगवान आज भी उन्हें की दर्शन देते इस विच कोई संशय नहीं है। अस प्रार्थना करके उनके अग्गे कि हे प्रभु दुष्टें की जुल्म कमांदे इत्थे ओई गया है इक अरसा, ओई गया है इक अरसा, ओ मते चिरा दा प्रभु जी तुंदा नहीं लिशकिया परसा, लिशकिया परसा, लिशकिया परसा, इन्हें की मारी मकाओ, इन्हें की मारी मुकाओ जे कर बनती है गलता। परशुराम जी दा नाम, परशुराम जी दा नाम, परशुराम जी दा नाम, परशुराम राम राम, परशुराम राम राम, परशुराम राम राम, परशुराम राम राम। पाठ ते ब्रह्म गायत्री कर कर जे कर बसन कर कर ओ रोग दोष ते पाप ताप सब दूरे पारे नसन। दुख है परोचा कुते भी लभदी, दुख है परोचे कुते की लभदी कोई नहीं खाली थां। परशुराम जी दा नाम, परशुराम जी दा नाम, परशुराम राम राम, परशुराम राम राम, परशुराम राम राम, परशुराम राम राम। वेद प्राण ते शास्त्रेगी अजगे दा मानू पुल्ली, अजगे दा मानू पुल्ली, वेद पुराण ते शास्त्रेगी अजगे दा मानू पुल्ली, अजगे दा मानू पुल्ली, पश्चिमी तहजीब दी ऐसी नेरी चुल्ली, ऐसी नेरी गई है चुल्ली, ऐसी नेरी गई है चुल्ली, याद करो ऋषिये दी बाणी, याद करो ऋषिये दी बाणी करिए बिंद बसां। परशुराम जी दा नाम,
परशुराम जी परशुराम राम राम परशुराम राम राम परशुराम राम राम परशुराम राम जब दगनी जी पिता ने जिंदे सती रेणु का मां जब दगनी जी पिता ने सती रेणु का मां आओ शरदा कन्ने परशुराम जी दल चैना परशुराम राम राम परशुराम राम राम परशुराम राम राम परशुराम राम राम परशुराम बोलिए सच्चिदानंद भगवान की आओ किश ख्यान जरा इन्हें शब्दों पर विचार करें अस जो कर्म भी करने हैं अपने सुखा वास्ता करने हैं शांति वास्ता करने हैं आनंद वास्ता करने हैं अस आज इत्थे कट्ठे होए दे हैं ते सुखी होने वास्ता होए दे हैं दुखी होने वास्ता है नहीं जो किसी भी काम करने आस अपने सुख वास्ता करने हैं पर छे लोग इस दुनिया च ऐसे ने छे किस्म दे लोग जिन्हें कदे सुखी होना गए नहीं ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਸੇ ਲੱਛਣ ਨੇ ਅੱਜ ਅਕਸ਼ੈ ਤ੍ਰਿਤੀਆ ਦੇ ਪਰਵ ਦੇ ਉਪਲਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਦੇ ਹੋ ਆਉਂ ਉਹਦੇ ਲੱਛਣ ਦੱਸਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਲੱਛਣ ਇਹ ਕਮੀਆਂ ਇਹ ਬੁਰਾਈਆਂ ਇਹ ਦੁਰਗੁਣ ਇਹ ਦੁਰਵਿਅਸਨ ਇਹ ਵਿਕਾਰ ਕੋਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਉਹ ਆਉਣ ਤੇ ਸੁਖੀ ਹੋਣਾ ਆ ਤੇ ਤੌਲੇ ਕੋਲਾ ਤੋੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਛੋੜਨੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਗੁੱਸਾ ਕੀ ਦਿਖੀ ਹੈ ਸੜਦਾ ਉਹ ਹੈ ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਕਦੇ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਦੂਏ ਕੀ ਦਿਖੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਕੰਨਾ ਇੰਨਾ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਦੂਏ ਕੀ ਸੁਖੀ ਦਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗੁੱਸਾ ਨੇ ਅੱਛਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾਇਆ ਕੋਠੀ ਬਣਾਈ ਕਾਰ ਲਈ ਜਿਮੀਦਾਰ ਅੱਛੇ ਦਾਣੇ ਆਈ ਕੁਸਾ ਬੱਚੇ ਪਾਸ ਹੋਈ ਗਏ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗੀ ਅੱਛੇ ਕੁਸਾ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਗਹਿਣੇ ਪਾਏ ਤੇ ਉਸੀ ਦਿਖੀ ਹੈਗਾ ਸੜਨਾ ਭਲਾ ਤੇਰਾ ਉਹਨੇ ਕੀ ਵਿਗਾੜਿਆ ਉਸਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉੱਦਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹੁਣ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੇ ਸਭ ਕੁਛ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਖੰਦਾ ਲਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦੱਸੋ ਤੁਸ ਉਸੀ ਦਿਖੀ ਹੈ ਕੀ ਸੜਨਾ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕਰਦਾ ਕਲੇਜਾ ਤੇਰਾ ਦਾ ਫਕੋਣਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹ ਦੇਵੀ ਚੌਕੀ ਕਰੇ ਮਿਗੀ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕੌਣ ਹੈ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਪਕੜਿਆ ਸੀ ਅੱਖ ਲਗੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲਾ ਬੜਾ ਮੇਕਅਪ ਕਰੀ ਆ ਲੰਗੀ ਸੀ ਭਲਾ ਤੇਰਾ ਕੇ ਵਿਗੜਿਆ ਉਹਨੇ ਸ਼ੈਲ ਕੱਪੜੇ ਲਾਏ ਗਹਿਣੇ ਪਾਏ ਤਸ ਤੇਰਾ ਕੇ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਜੇ ਸਹਿਨ ਨਹੀਂ ਉਹ ਈ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਦੇ ਕੰਨੇ ਈਰਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦੁਖੀਏ ਕੀ ਦੂਏ ਕੀ ਦਿਖੀ ਹੈ ਸੜਦਾ ਉਹ ਹੈ ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਕਦੇ ਵੀ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨੰਬਰ ਦੋ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਕੀ ਦਿਖੀਏ ਕੁਸਾ ਕਹਿੰਦਾ ਗ੍ਰਿਣਾ ਕਰਦਾ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਬੈਰ ਕਰਦਾ ਆ ਕਾਰਨ ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਕਦੇ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਮੁਝ ਮੇਰਾ ਤੁਝ ਮੇਰਾ ਸਭ ਮੇਰਾ ਸਮਾਇਆ ਸਭ ਸੇ ਕਰ ਲੋ ਪ੍ਰੀਤ ਜਗਤ ਮੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਰਾਇਆ ਅਸ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੀ ਪੂਜਾ ਪਤੀ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਪਰ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਉਸੀ ਗੁੱਸਾ ਨਾਮ ਕੰਨੇ ਪੂਜਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਨਾਮ ਰੂਪ ਕੰਨੇ ਉਸਦਾ ਧਿਆਨ ਸਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਏਕੋ ਦੇਵਾ ਸਰਬੂਤੇ ਸ਼ਗੂੜਾ ਸਤਰ ਵਿਆਪੀ ਸਰਬੂਤ ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਕਰਮ ਅਧਿਆਕਸ਼ਾ ਸਰਬੂਤਾ ਦੀ ਵਾਸਾ ਸਾਕਸ਼ੀ ਚੇਤਾ ਕੇਵਲੋ ਨਿਰਗੁਣਸ਼।